अगली खबर का जो कि लोरमी से है, जहां मुंगेली जिले के कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा लोरमी से मुंगेली तक साइकिल रैली निकाली गई। मुंगेली कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि खेती किसानी के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की वृद्धि से किसान ज्यादा परेशान है, यदि मूल्य वृद्धि पर रोक नहीं लगी तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लोरमी से मुंगेली तक एक साइकिल यात्रा निकाली गई है और विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बताएंगे किस तरीके से आज आप लोग के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, पिछले 22 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बरसात का समय है, किसानों को ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसान को डीजल पंप के लिए डीजल की जरूरत है, तो सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ रही है। लेकिन ये केंद्र में बैठी जो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो किसान विरोधी सरकार है। उनका ये संवेदनहीन निर्णय, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत अपने आज तक के रिकॉर्ड में सबसे कम रेट में है, उसके बाद भी जो है इनके द्वारा जो है लगातार पेट्रोल डीजल की वृद्धि की जा रही है। इसका हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हो रहा है, धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। इसी तारतम्य में लोरमी से लेकर मुंगेली तक हम लोग जो है साइकिल यात्रा कर रहे हैं ताकि हम केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के आह्वान तक यह बात जाए। लोरमी से राजधानी रायपुर में कांग्रेस